इका ढंग से आंख खोल के पढ़ लो। हमनी के बर्बादी के इस्तहार छपल बा एमे। का छपल बा भैया? अरे ससुरा दीपकवा तक घर ऑफिस बंगला कुल बेचाता। काल ऊ सारा प्रॉपर्टी बेच के सब पैसा लेके चल जाई और तू लोग यहाँ हाथ पे हाथ धर के बैठल रहा। हाँ का सोचा तारे तू कि तू हमरा से बिना पूछले सारा प्रॉपर्टी नीलाम कर देबे? जा जा, हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आई। माता जी, तोहरा के का लागता हम कच्चा गोली खेल ले बानी? हाई जवन स्कूल खोल के तू चलावत आरू, ए स्कूल के मास्टर डिग्री हमरा लगे बा। और ही तोहरा के पते नहीं के कि सारा कानूनी कार्रवाई कैला के बाद इस्तेहार देले बानी। और एक बात और बताई तू लोग के, हम दीपक ना है राजा है। अब पता चल गया ना, अब दम बात तो बांस करो लो ना तो बर्दाश्त करो लो। चला ड्राइवर। राजा, कल नीलामी होते ही आधा पैसा हमारा अकाउंट में आ जाए के चाहिए? एकदम। ये ला दुबई के टिकट। पैसा आते ही हमने के कल शाम के दुबई फरार हो जाए। आप लोग चिंता ना करें, हम पटना क्राइम ब्रांच से राजा के फाइल मंगवा ले बानी। अगर वो सचमुच में राजा ही है तो हम ओकर बाजा बजा दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस्टर दीपक यादव अपनी सारी चल अचल संपत्ति यानी कि सुगर मिल्स, अपने ऑफिसेस और इस खूबसूरत बंगले को नीलाम कर रहे हैं। सर, ये रही राजा की फाइल जो आपने मंगाई थी। इसकी पूरी जानकारी मिस्टर दीपक यादव ने अपने पर्सनल वेबसाइट deepakyadav.com पर दे दी है। जो भी जेंटलमैन इस प्रॉपर्टी को खरीदेगा उसे इमीडिएटली अभी के अभी मिस्टर दीपक यादव के बैंक अकाउंट में तय की गई रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? क्या आप लोग तैयार है इस बिड के लिए? इस प्रॉपर्टी की सरकारी कीमत है 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपीस। तो बीट शुरू की जाए। 550 करोड़। 550 करोड़ रुपए। 550 करोड़। 600 करोड़। 600 करोड़। 2 750 करोड़। 750 करोड़। 750 करोड़। 1 750 करोड़। 2 800 करोड़। 800 करोड़। 800 करोड़। 1 800 करोड़। 2 800 करोड़। 3 सोल्ड आउट। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रमेश अग्रवाल। अब ये पूरी प्रॉपर्टी अब आपकी हुई। मिस्टर रमेश अग्रवाल, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आपको तय की हुई रकम को मिस्टर दीपक यादव के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन अभी ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ साइन कीजिए। थैंक यू। अभी कभी आधा पैसा हमारे अकाउंट में डाला? हाँ, डाला था। हेलो, अपना प्रॉपर्टी के तो नीलाम कर देले, लेकिन अपना दू को मेहरारू और अपना बहन के इज्जत के नीलाम होकर से कैसे बचेबे? और अगर बचावल चाहता रहे तो चौका घाट वाला स्टील फैक्ट्री में आ जाओ। हेलो हेलो, कहा सोचा तारा हमारे अकाउंट में पैसा डालो ना। हाँ, पोल पट्टी पूरा खुल गई बा राजा। अब तोरा के पूरा जिंदगी जेल में सड़ाई।
केहू के ना होला, ऊ कहीं के ना होला, जे केहू के ना होला, कारे तोरा जैसन भिखारी के हम 800 करोड़ के मालिक बनौनी और तू हमरा के पकड़ल बनावता रे, बता पैसा हमरा अकाउंट में काहे ट्रांसफर ना करले? अरे डाल देनी ना, का बात करता, अब अकाउंट चेक करा अपन, 400 करोड़ डाल देना भाई। ए ज्यादा होशियारी ना, ना तो हिजा छौ के छौ ठोक दे, बता पैसा केकरा अकाउंट में बा? पैसा दीपक के बहन सोना के अकाउंट में चल गए। अरे बेकूफ, ओकरा अकाउंट में काहे डाल देले? काहे डाल ले मतलब, वो हमरा के राखी बन ले रहे था, हमार भाई ओकरा के ना तो कुछ फर्ज बन लगी ना। अरे बकलोलवा, अरे एको राखी के बदले में 800 करोड़ दे दिले। अरे सूट दे देते, साड़ी दे देते, और नहीं तो सोना के अंगूठी दे देते। ठीक बा, तू भाई के फर्ज निभा लेना, अब हमरा गोली की जरूरत है। हाँ मुन्ना बोल। हाँ विशेष भाई, हो राजवाड़ा नीलामी के सारा पैसा दीपक का बहन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे ले बा। का? का बात करता है? ओकरा मुंह से हम खुद सुननी हां। काबिल भैया, अरे वो राजवाड़ा नीलामी के सारा पैसा दीपक के बहन के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देलस। का बात करता है? अरे सही कहा तानी, तू रजवा अपना मुंह से मुन्ना के मत बोल। ए सोना के लेके नीचे आ। पासवर्ड बोल ना बताए। अरे जल्दी बोल दे मुआदे, बोल पासवर्ड। मुआदे चाहे जी आता, हम ना बताए तो ना बताए। अरे पासवर्ड बोल, पासवर्ड बोल, ना बताए, पासवर्ड बोल, ना बताए, बोल।
मारे हैं जी। अरे खोला, अरे खोला, अरे खोला! का देखा था रसन? हमरा के जिंदा देख के तोनी के हवा टाइट हो गई का? का हो ब्रिजेश चाचा, तोरा के तो हम अपना माथा पे बिठा के रख ले रहे, लेकिन तू लोग साबित कर देला कि जूता चाहे चमड़ा के होखे या सोना के, जूता के हमेशा पैर में रखे के चाहिए। गोल लगाता नहीं है माई? बा माई बा, तोरा के तो हम अपना सगी माई से बढ़ के समझत रहे, लेकिन तू ही साबित कर दे रही कि सौतेली माई आखिर सौतेली होके ले। हम खुद बरगद बनकर छांव जमाने भर को बांटते रहे, और हमारे अपने ही हमें रोज थोड़ा थोड़ा काटते रहे, तो हमरा मारे के तो बड़ा बढ़िया प्लान बने ले रहा, लेकिन उकावत सुन ले बड़ा ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो आर आदमी हमरा गलत फहमी में राजा पे अटैक कर ले रहे, लेकिन तू क्या हुआ? और हमके कैसे जाना था? हम तो आर हम सकल हैं, और यही के फायदा उठा के हम तो आर पूरा प्रॉपर्टी हड़पे खातिर आए नहीं का। लेकिन कमाल ही बा कि तू अपन जान के बाजी लगा के हमारी जान बचा लेला। इंसानियत भी कुछ चीज होला भाई, लेकिन गुंडा लोग कह रहे पता ना हमरा के मारल चाहत रहे लो ना, तोरा के ना ये सब हमरा के मारे आए हैं। सब का है? ये तो पता नहीं के, ये तो पता लगावे के बा गुंडा लोग कह रहे। एक तरीका बा। कैसे? ये आदमी हमनी के कद काठी के बा, एकरा के तुहार कपड़ा पहना के तुहरा गाड़ी में डाल के खाई में फेंक दिया जाओ, दुनिया दीपक के मरल समझी, और तुहार दुश्मन खोल के बाहर आ जाए। लेकिन तू हमार मदद काहे गेल चाहता रहा? इंसानियत भी कोनो चीज होला भाई। हमरा के मरल समझ के तोनी के अपन जात बता देला सन, हम और राजा मिलके तोहनी के औकात बता देनी है। ठीक से याद करो लोग,
जब तोहनी लोग दीपक के मरल समझ के सोना पे अत्याचार करत रहल लोग, तब तोहनी लोग के बैंड बजावे खातिर हम आइल रहनी। और रंजीत बाबू याद बाकी ना, फिल्म दिखावे के बहाना करके आरती के लेके हम गए रहनी। और आरती के मोटरसाइकिल पे बिठा के हम ले गए रहनी। तू लोग कम नहीं खा, हमरा मेहरारू काजल के खोज निकल ला लोग, और हमरा के आरती से ब्याह करे खातिर मजबूर करे लगला लोग। लेकिन तू लोग के जान के बहुत हैरानी हुई कि आरती से ब्याह करे खातिर हम ही भरले रहनी हम, लेकिन आरती के मांग में सिंदूर हम भरले रहनी।